वेल दोस्तों, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो कि लॉन्च हुआ था 4 फरवरी 2004 को। इट वॉज फाउंडेड बाय मार्क जुकरबर्ग एट द एज ऑफ 19 इयर्स। हाँ दोस्तों, वो सिर्फ 19 साल का था जब इस कंपनी को वो स्टार्ट किया। हालांकि दोस्तों वो अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और लोग भी थे, लेकिन उसके सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है फेसबुक के लिए। बाय द एंड ऑफ 2004 फेसबुक हैड 1 मिलियन यूजर विद द रेवेन्यू ऑफ $3,82,000 और आज 2.7 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर के साथ फेसबुक इंटरनेट पे धूम मच रहा है। तो एक 19 साल का बच्चा एक कंपनी स्टार्ट करता है और आज उसकी कंपनी और वो खुद इतनी सक्सेसफुल है। सो विच इज द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ फेसबुक? सो गाइज, आज के इस वीडियो में वी विल एनालाइज द फेसबुक टू फाइंड आउट दिस रीजन। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ फेसबुक। तो गाइस, पहले देखते हैं कि फेसबुक का ग्रोथ कैसे हुआ। अकॉर्डिंग टू द S1 रिपोर्ट, फेसबुक मेड अ $3,82,000 विद अ 1 मिलियन यूजर इन 2004 एंड 9 मिलियन रेवेन्यू विद अ 6 मिलियन यूजर इन 2005 और ऐसे ही चलता गया 2007 तक विद नो रिपोर्टिंग लॉस। और आज भी दोस्तों मार्क भैया की ये कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो करते जा रहा है और आज फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि इसकी अलग मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है। फेसबुक की रेवेन्यू इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे कई देशों की जीडीपी भी इसकी आधी भी नहीं है। और आज फेसबुक की रीच लगभग हर एक कंट्री में पहुंच चुकी है। गाइज, आई हैव सम पॉइंट्स व्हिच हाइलाइट्स द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ फेसबुक। नंबर 1, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है कि फेसबुक ही सबसे पहला सोशल साइट है, लेकिन फेसबुक एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ, अलग सिंप्लिसिटी के साथ आया जिसे हम आराम से एक्सेप्ट कर पाए। और ऐसे ही दोस्तों फेसबुक अपनी शुरुआती दौर में एक बड़ा मार्केट कैप्चर कर पाया। एज ए रिजल्ट फेसबुक एक अलग मोनोपोली क्रिएट कर चुका है और उसके सामने अभी कोई भी कंपटीटर टिक नहीं पाएगा। नंबर 2, गुड सर्विस। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आप अपना बर्थडे भूल जाए, लेकिन हमारा जो मार्क भैया है वो आपका बर्थडे कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आप जब फेसबुक ऐप ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ पोस्ट दिखा जाते हैं, तब आप कोई पोस्ट पे लाइक करते हो, अच्छा लगा तो कमेंट कर देते हो और दोस्तों वो में भी आपको रिप्लाई करे, तब आपको उसके साथ बात करने का मन हुआ तो आप मैसेंजर पे जाके उसके साथ बात करते हो, इधर अलग से नोटिफिकेशन आता है। और ऐसे ही दोस्तों आप फेसबुक पे इतना टाइम दे चुके होते हो कि आपको खुद ही पता नहीं चलता है। और ऐसे ही दोस्तों फेसबुक एक जाल जैसा सिस्टम क्रिएट कर देता है जहाँ से आप निकल नहीं सकते हो। और दोस्तों, कई जाने माने लोग तो ये भी कहते हैं कि फेसबुक एक ड्रग जैसा है जो कि अपने प्रति एडिक्टेड कर देता है। और दोस्तों, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फेसबुक की AI। और दोस्तों, ये आपको स्टडी करके आपके मुताबिक पोस्ट, वीडियोस, मीम्स, एड्स ये सब आपके सामने रखती है और दोस्तों आप इनमें बिजी हो जाते हैं। और दोस्तों, फेसबुक तो यही चाहता है ना आपको कितना देर तक रुका जा सकता है। नंबर 3, क्रिएटिंग अ मोनोपोली। दोस्तों, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर ये सब फेसबुक को आज के डेट में अच्छा खासा हार्ड कंपटीशन दे सकता था, लेकिन दोस्तों फेसबुक ने इन सब को पहले ही खरीद लिया, क्योंकि दोस्तों फेसबुक जानता था ये सब आगे जाके फेसबुक को एक अच्छा खासा हार्ड कंपटीशन देगा। और दोस्तों, इससे पता चलता है कि फेसबुक कितने अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करता है। और क्योंकि दोस्तों फेसबुक के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज के वजह से इन सब से ज्यादा रेवेन्यू था, इसलिए दोस्तों इन सब सोशल साइट को फेसबुक ने आराम से खरीद लिया और ऐसे ही दोस्तों फेसबुक एक अलग मोनोपोली क्रिएट कर पाया है। नंबर 4, सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फेसबुक पहला सोशल साइट नहीं है, लेकिन इसने अपनी सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के दम पे इतना बड़ा मार्केट कैप्चर कर पाया। और दोस्तों, आप ही थोड़ा सोचे कि फेसबुक कितना आसान है ट्विटर और इंस्टा से। और दोस्तों, फेसबुक इज वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर इन ऑर्डर टू अडॉप्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट। और दोस्तों, इन सब रीजन की वजह से आज फेसबुक इतना बड़ा मार्केट कैप्चर कर पाया है, इतना बड़ा कंपनी बन चुका है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ तक ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।